जीन में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके गांव भंबेवा में 15 से 20 विदेशी प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं। ये प्रवासी पक्षी हरियाणा में जीन के अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवासा में आते हैं। हर साल चाइना, मंगोलिया, एशिया और साइबेरिया जैसे ठंडे कई देशों से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यह पक्षी प्रजनन और खाने की तलाश में अपेक्षाकृत कम ठंडी जगह की तलाश में आते हैं। जीन से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। अपने जीन जिले में सिर्फ एक ही वेटलैंड है जो अपने गुवाणा रोड पर बम्बेवा गांव के खेतों में है। तो ये जो भी प्रवासी पक्षी है माइग्रेटरी बर्ड, तो हर साल नवंबर से आने शुरू करते हैं और फरवरी का लास्ट तक, या सर्दी बढ़ जाए तो फिर ज़्यादा भी रह सकते हैं। ये नवंबर के महीने में हर साल ये प्रवासी पक्षी आते हैं, 10-12 देशों से आते हैं, जिसमें से मुख्य हैं अपने चाइना है, साइबेरियन और रसिया, मंगोलिया। ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने भोजन की तलाश में और प्रजनन के लिए, तो ये गर्म देशों का रुख करते हैं। तो ये अपने हिमालय को पार करके आते हैं। इनको एक तो वहाँ माइनस में तापमान रहता नहीं सर, अब सर्दियों में यहाँ 100 डिग्री माइनस तक तापमान चला जाता है, तो वहाँ उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो ये खाने की तलाश में और अपना प्रजनन के लिए ये गर्म प्रदेशों का रुख करते हैं। ये आते हैं नवंबर के महीने में आने शुरू हो जाते हैं और फरवरी के लास्ट तक रहते हैं। अगर जब सर्दी बढ़ जाए तो 10-20 दिन और फालतू रह जाते हैं। जैसे भी गर्मी शुरू हुई तो ये वापस अपने वहीं चले जाएंगे जहाँ से आए। कितने